सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग में एज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने काफ़ी तरह के ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसके अंदर पिता की जो उम्र होती है वो बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा दी हुई होती है और कहते हैं कि 10 साल बाद उनकी उम्र इतनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान उम्र कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन UGC नेट में भी काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से आने की संभावना है, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम आपको 10 यूनिट PDF स्टडी नोट्स दे रहे हैं। इसके अलावा 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दे रहे हैं और इसके साथ साथ 10 यूनिट ऑल थियोरेटिकल वीडियोज़ दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों हम आपको जून 2012 में 10 शिफ्ट के टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अगर किसी दोस्त को ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए, नंबर हमने नीचे दिया हुआ है। दोस्तों ये हमारा दिसंबर 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था और धीरे धीरे हम सभी ईयर के दिखाएंगे कि कब कब क्वेश्चन आए हैं। इसमें कहा है कि दो व्यक्तियों में ए और बी की आयु का जोड़ कितना है, 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को करना चाहे तो हम पूरा डिटेल से करें तो वो भी कर सकते हैं, विद फॉर्मूले से करें तो, लेकिन हमें एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है दोस्तों, जल्द से जल्द क्वेश्चन निकालने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पर इसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए इन्होंने कहा है कि ए और बी की आयु का जोड़ कितना है, 50 वर्ष है। तो इनमें चारों के चारों जो ऑप्शन है उनमें सभी में इनका जोड़ कितना है, 50 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन अब दूसरा जो है इस पे हम ध्यान देते हैं, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। तो हम एक टाइम के लिए मान के चलते कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे बी ऑप्शन हमने ले लिया, तो ये यहाँ पर इन्होंने वर्तमान आयु दी हुई है 35 और 15 वर्तमान आयु दी हुई है। अगर हम इनमें 5-5 वर्ष माइनस करते तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 30 वर्ष और ये आएगा हमारा 10 वर्ष। अब देखिए क्या इनके अंदर जो अनुपात है वो 5:3 का अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखिए 30 और 10 का अनुपात है दोस्तों 3:1 है, तो ये जो बी है हमारा वो नहीं होगा। अब देखिए अब हम ऑप्शन नंबर एक देखते हैं, ए जो है इसके अंदर 30 है और 20 है, 30 में से जब हम 5 माइनस करेंगे और 20 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 15। अब देखते हैं 25 और 15 इनके अंदर अनुपात कितना है। इसके अंदर देखिए ये जाएगा 5 5 25, ये 5 और ये 5 3 15, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका अनुपात कितना निकल रहा है, 5:3 निकल रहा है और इन दोनों का जो जोड़ है वो भी 50 आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम शॉर्टकट तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और दूसरा जो तरीका वो आप जानते ही है कि माना एक ए व्यक्ति की आयु एक्स है तो बी की क्या होगी, 50 माइनस एक्स हो जाएगी, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे हम किस तरह से शॉर्टकट मेथड से करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें दोस्तों स्क्रीनशॉट के साथ और बताया करें कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया था। इसमें कहा है कि अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है, ठीक है। इसने कहा है कि 2 गुनी है, 3 वर्ष पूर्व पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, अनिल की वर्तमान उम्र क्या है वो हमें बतानी है। सबसे पहले हम यह लिख देते हैं कि सुनीता की जो उम्र है वो मान लेते हैं एक्स है, तो अनिल की जो उम्र है वो क्या होगी दोस्तों, 2x यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए 3 वर्ष पहले यानी कि 3 साल पहले की ये बात कर रहा है, तो उसकी उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इन दोनों में हम -33 कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी 2x-3 कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, यानी कि इसकी उम्र से सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी,
तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिसकी उम्र कम हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन इक्वल होगी। अब देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 3 3 9, यहाँ पे होगा 2x माइनस में 3, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये जो 2x है यहाँ पे आएगा तो ये हमारे पास रह जाएगा दोस्तों x 1 रह जाएगा, और फिर ये जो 9 है 9 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये 9 माइनस का है, यहाँ पे यहाँ के क्या हो जाएगा इस तरफ प्लस का हो जाएगा, प्लस के 9 माइनस के 3 तो कितना रह जाएगा हमारे पास x बराबर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए x क्या आया है, x आया हमारे पास, सुनीता की उम्र आई है x। अब अनिल की उम्र क्या होगी, 6 दुनी 12 यहाँ पे आ जाएगी, और यही इसने पूछा कि अनिल की वर्तमान उम्र क्या है, तो ये है दोस्तों 12 उम्र इन्होंने दी हुई है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर समझ में ना आए तो आप ये वीडियो एक बार दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगी ये इक्वेशन, और अगर समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये देखिए दिसंबर 2014 के अंदर आया था, ये देखिए इसके अंदर इसने क्या कहा है, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। अब मध्यमान का मतलब होता है दोस्तों उनका हाफ एवरेज, यानी कि हाफ आधा कहते हैं मध्यमान, ठीक है। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 है, तो यानी कि टोटल योग कितना होगा दोस्तों, टोटल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 दुनी 54, यानी कि इसका अर्थ ये कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि पिता को हम पी लिख देते हैं और बेटे को हम बी लिख देते हैं, दोनों की आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बन रही है, एक तो सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 54। अब ये देखिए चारों के चारों ऑप्शन है ना, चारों को आप ऐड कर लेना, चारों की उम्र 54 वर्ष आ रही है, तो सबसे पहले यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन निकल नहीं रहा। अब दूसरा देखते हैं, 18 साल बाद, अब देखिए 18 साल बाद की ये बात कर रहा है, अपने पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना, इन सभी में 18 18 ऐड करके देख लेते हैं, और इनमें से रैंडम तरीके से आप एक ले लीजिए, हम ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, हम 40 ले लेते हैं, 40 जमा में 18 हमने किया, ठीक है, और फिर हम 14 जमा में 18 करते हैं। अब देखिए 40 में से 18 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और 14 प्लस में 18 करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 18 दूनी 36, और यानी कि 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें कहा है कि 18 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 गुना नहीं है, ये जो 58 है 32 का 2 गुना नहीं है, तो ये जो ऑप्शन अपना 2 है ये नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अब ए में ए करके देखिए दोस्तों, ए करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ए में 42 वर्ष दी है, इसमें हम 18 वर्ष ऐड कर रहे हैं, इसी तरीके से 12 वर्ष दिए, 12 में हम 18 ऐड कर रहे हैं, 42 का हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 60 वर्ष, और ये हो जाएगा 12 जमा में 18, ये हो जाएगा 30। अब ये देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये जो 60 है ये 30 का 2 गुना है, ये जो नीचे वाली है ये हमारी पुत्र की आयु है, और ऊपर वाली ये हमारी पिता की आयु है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से शॉर्टकट मेथड अपना के भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो उस तरीके से निकाल सकते हैं कि पिता की आयु और पिता और पुत्र की आयु का योग है वो हमारा 54 वर्ष है, जैसे कि P प्लस में B हो गया 54 वर्ष, तो P क्या होगा, P हो जाएगा 54 माइनस में B, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और आगे फिर 18 साल का करके वो पूरा लंबा प्रोसेस करके ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप ऑप्शन में पुट अप करके देखिए, वहाँ से जल्दी ऑप्शन आ जाएगा। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा जून 2015 का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो इसे देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हम सिस्टमैटिक ढंग से चलने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो पहली लाइन से ही हमें क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है। यहाँ पे इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बेटा बड़ा है, तो इसमें बेटे की जो उम्र है वो मान लेते हैं दोस्तों हमने x मान ली, और जो व्यक्ति है व्यक्ति को हम v ही लिख लेते हैं, व्यक्ति की उम्र कितनी होगी दोस्तों,
4x हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कि बेटे से 4 गुना बड़ा है, अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, और जो इसकी पत्नी है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, इसकी जो पत्नी है पी से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा 4x-3, यानी कि सीधा सा मतलब है कि इसकी जो पत्नी है वो अपने पति से 3 साल छोटी है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आगे देखते हैं, 3 साल के बाद, 3 साल बाद की ये बात कर रहा है, 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी। अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, x+3 कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र 15 साल हो जाएगी। ये देखिए, ये इक्वेशन जो बन रही है ना, उसे समझने की कोशिश करो दोस्तों। 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। बेटे की आयु ये है, इसमें 3 ऐड कर दिए तो टोटल कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। यहाँ से एक्स हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 15-3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 क्या है हमारे पास, 12 है बेटे की आयु, और पत्नी की आयु की इक्वेशन क्या है, 4x-3। अब 4x की जगह जब हम 12 रखेंगे, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 4 × 12-3, तो 12 × 48, 48 में से 3 गया, क्या आएगा दोस्तों, 45 हमारे पास आ गया। ये जो 45 है ना दोस्तों, ये 45 जो लेडीज़ है उसकी वर्तमान आयु है, ठीक है ना, उसकी प्रेजेंट आयु है। अब देखिए, उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी, तो 45 के अंदर जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, बस इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया है अगस्त 2016 में आया है, एक समय माता अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी है। अब देखिए, इसमें भी हम शुरू से ही लेके चलते हैं कि एक माता अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी है, यानी कि उसका जो बेटा है उससे 3 गुना बड़ी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, चलिए इसके जो ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 15 वर्षों के बाद उनकी आयु का जोड़ 70 वर्ष होगा, यानी कि 15 साल के बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्षों के बाद उसकी आयु क्या होगी। अब देखिए, अब इनके अंदर दोनों की उम्र नहीं पूछी दोस्तों, अगर दोनों की उम्र पूछते ना यहाँ पे डैश में जैसे 10 दिया हुआ होता तो हम कुछ करके देख सकते थे, तो इसमें अब हमें सिस्टमेटिक ढंग से चलना होगा। अब देखिए, इसमें हम शुरू से क्या करते, एक समय माता अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी है, तो हम देख लेते पुत्र, ये लिख लिया हमने पी, पी की उम्र जो है वो हमने लिख ली एक्स, और माता, माता को लिख लिया हमने एम, एम की उम्र कितनी होगी, 3x हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, 15 वर्षों के बाद उनकी आयु का जोड़ 70 वर्ष हो जाता है, 15 वर्षों के बाद। अब 15 वर्ष ऐड करते इनमें, देखिए जैसे ये हमने ऐड कर लिया 15, और यहाँ पे भी हमने ऐड कर लिया 15। अब देखते, ये हो गया 4x+15+15 30 हो गया। तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का जोड़ कितना है दोस्तों, 70 वर्ष दिया है, और यहाँ पे जो हमने 15 वर्ष के बाद ऐड किया है तो ये हो गया 4x+30, यहाँ पे इक्वल टू कितने, इसके 70 के बराबर है। अब देखिए, ये जो 30 है दोस्तों यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 70 में से 30 जाएगा, ये आ जाएगा 40, 40 बराबर में 4x, और 4x। अब ये देखिए, ये जो 4 यहाँ पे गुना में यहाँ के क्या होगा, भाग होगा, तो जो एक्स की वैल्यू होगी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 4x+40, तो x क्या आएगा दोस्तों, 40/4, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आई है दोस्तों, वो आई है हमारे पास 10 आई है, यानी कि बेटे की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी आई है, 10 आई है। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखना है कि 10 वर्षों के बाद माँ की आयु कितनी होगी, वो हमें बतानी है। अब 10 वर्षों के बाद सबसे पहले हम माँ की आयु देखते हैं यहाँ पे कि क्या आयु है, वर्तमान आयु क्या है उनकी। ये देखिए, वर्तमान आयु माँ की क्या है, 3x+15। 3x का मतलब क्या हुआ दोस्तों, x की जगह जब हम 10 रखेंगे तो क्या हो जाए, 3×10 क्या होगा, 30। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक मिनट ये पूरा का पूरा इरेज कर देता हूँ, रुकिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, रुकिए। अब देखिए, जो हमारी माँ की जो उम्र आई थी वो क्या आई थी दोस्तों,
3x+ में 10 आई थी, सॉरी 3x+ में 15 आई थी वर्तमान आयु, और 10 जो x था वो हमने 10 निकाला था। तो 3 × 10 जमा में 15, ये हो जाए 3, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये टोटल हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 इनकी वर्तमान आयु है दोस्तों, इसकी माँ की जो है वर्तमान आयु है। अब ये कह रहा है कि 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा, 45 जमा में जब हम 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 55 आ जाएगा, और 55 जो आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप उम्र वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। और तो दोस्तों आप ये सभी के सभी क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से करके देखना, इन सभी की प्रैक्टिस करके देखना, और किसी में भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आते तो आप हमें बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।